रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साबुदाने के पकोड़े बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। साबुदाना है ये, इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। ये देखिए, अब ये बिल्कुल फूल गया है। इसको मैंने छल्ले में ऐसे छान लिया है सारे पानी को। इसे मैंने मिक्सर में डाल दिया है। अब मैं इसे पीसने वाली हूँ। ये साबुदाना मैंने पीस लिया है मिक्सर में बिना पानी के, और ये आलू बॉईल करके रखा है। अभी मैं इसे पील करके मैश कर लूँगी। मैंने 7 हरा मिर्च लिया है और 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब मैं इसे ज़रा सा पानी देकर पीस लूँगी। अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप 2 हरी मिर्च ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, खड़ा जीरा, धनिया पत्ती चॉप की हुई, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, और हम इसमें डालेंगे 1/4 नींबू का रस। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इसे भी मिला लेना है। नमक एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगे आपको तो आप थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद पैन गरम करते हैं। हाथ पे मैंने तेल लगा लिया पहले थोड़ा सा। तेल लगाने के बाद मैं ऐसे इसके गोले बना रही हूँ, रफ छोटे गोले। ये तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। ये देखिए, मेरे गरम गरम क्रिस्पी साबुदाने के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं।